गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। मनोवृत्तियां करो एकाग्र। भाई कन्हैया जी मिशन सेवा सोसाइटी वालों पिछले दिनी भाई कन्हैया सिंह जी दे 319वें मलम पट्टी दिवस नू समर्पित लगवाए गए महान खूनदान कैंप की अपार सफलता तो बाद उस अकाल पुरख प्रभु परमात्मा का शुकराना करन दे लई अज गुरु चरणा दे विच एकाग्रचित हो करके जुड़ बैठे गुरु रूप सत्संगी जनों, सब तो पहला गुरु द्वारा बख्शिश फतेह द्वारा आपसी सांझ पैदा करिए। दोनों हाथ जोड़ के प्यार सत्कार दे नाल गज वज के फतेह बुलाओ जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भाई कन्हैया जी उन्हां दा नाम जबान ते आंदियां ही एक तस्वीर जहन च उभरदी है कि एक गुरु प्यारा गुरु का सिंह मश्क मोढ़े ते लटकाई प्यासियां नूं जख्मियां नूं पानी पिया रहा। भाई कन्हैया जी पवित्र रूह, उन्हों का जन्म पिंड सौदरा सियालकोट अजकल पाकिस्तान उत्थे होया, क्योंकि उस पिंड दे 100 दरवाजे सन, इस करके उसनू 100 दरा किया जाता सी। अजकल असी सौदरा कह दें, एक्चुअल उस पिंड दे 100 दरवाजे होण करके उसनू 100 दरा कहा जाता सी। माता सुंदरी जी की कुखों पिता भाई नथू राम जी दे ग्रह विखे भाई कन्हैया सिंह जी का जन्म हुंदा। और बचपन तो ही उन्हां दी जिहड़ी बिरती सी दया की मूरत सन, गुरु चरणा दे भौरे सन। और अगर उन्हां दे गुणा की गल करिए तां निरभाओ निरवैर बिरती दे मालक, दुनियावी मान सन्मान तो बेखबर, परिवारक मोह तो उत्ते उठे हुए और सबना दे विच उस अकाल पुरख प्रभु परमात्मा नूं प्रतख देखण वाले, और कले इंसान ही नहीं जीवां विच भी उस गोविंद पातशाह नूं देखण वाले बिरती दे मालक भाई कन्हैया जी। बचपन तो ही घरों जो पैसे मिलने या पैसे लेके जाने ते अपने लोड़वंद संगी साथियों दे विच वंड देने, वो लोड़वंदां दी सहायता करना उन्हां दा कह लईए कि शौक सी और निता प्रति दा करम सी। और उस वक्त एक ऐसा अन्ना और बेदर्द कानून प्रचलित सी कि अमीर व्यक्ति अगर किते जा रहा है तो उसनू सामने कोई गरीब व्यक्ति दिख जाता है आंदा होया या जांदा होया, तो फिर उस अमीर व्यक्ति नू ए हक हुंदा सी कि वो अपने सिर ते चक्की हुई पंड
भाव अपना समान उस गरीब व्यक्ति दे सिर ते धर दे तो उसनू ये आखे कि मेरा ये जिहड़ा समान है ये जिथे मैं जाना है उत्थे तक पहुँचा के आ। बेगारी किया जाता सी उन्हां गरीब लोगों और उस गरीब व्यक्ति नू ये कतई हक नहीं सी हुंदा कि वह इनकार कर दे। कानून ऐसा सख्त सी ते भाई कन्हैया जी ने जदों देखना कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति बेगारी बन के जा रहा है किसी अमीर व्यक्ति का समान चक के जा रहा है, मैं बिरती की गल कर रहा, तो उन्होंने उस बेगारी दी उस बुजुर्ग दी पंड अपने सिर के उत्ते रख लेनी, पांच सत दस को उदा पेंडा कटा देना, तो जान लग्या अपनी जेब दे विचों कुछ माया भी उसनू दे के भेज देनी। तो जो ये गल्लां पिंड वालिया ने आस पास रिश्तेदारों ने देखिया तो उन्होंने शिकायत की है माता सुंदरी जी पास कि तुहाडा बच्चा जेड़ा है कन्हैया वो बहुत अनहोनिया गल्लां कर रहा, क्योंकि संपन्न परिवार के विचों सी। भाई नथू राम जी बहुत संपन्न परिवार से, पैसा बहुत सी, अमीरां दे विच अमीर घराने दे विच गिणती हुंदी सी। कहिंदे तुहाडा बच्चा जिहड़ा है वो अगर कोई अमीर आदमी किसी बेगारी नू समान चुकांदा है तो तुहाडा बेटा उहदी पंड अपने सिर ते चक लैंदा। और कई बार यह भी देखिया गया है कि उहनां दी मुट्ठी चापी भी करदा, उहनां दीआं लत्तां भी दबांदा भी ये तो बड़ी अनहोनी गल है, तुहाडी बहुत बेइज्जती हो रही है। और ऐसा होना संभव भी है, माता पिता दे हिरदे दे विच ऐसी गल आ जानी नामुमकिन नहीं है कि वाकई साड़ी दा बेइज्जती हो रही है, माता ने बुलाया। गुरु प्यारियो, माता ने जदों बुलाया भाई कन्हैया जी नू ते कहा बेटा तेरियां शिकायतां बड़ियां आ रही हैं कि तू बेगारियां दीआं पंडां अपने सिर ते चक लैंदा, उन्हां दी मुट्ठी चापी भी करदा, तू उन्हां नूं पल्लिओ पैसे भी देना, ये किहड़ियां गल्लां तू कर रहा अचरज। ते गुरु प्यारी साध संगत जी, वह भाई कन्हैया जी का जिहड़ा फिर जवाब सी वह दिल नूं हिला देण वाला सी। भाई कन्हैया जी ने अपनी मां नूं कहा, अखां दे विच हंझू भी आ कि मां तड़प रही है, मां शिकवा कर रही है, पर मां नहीं जानती कि मैं किस तबीयत का मालिक हाँ। हाथ जोड़ के मां के चरणों में हाथ ला के भाई कन्हैया जी ने कहा, मां जदों तुहानू कोई आके मेरी शिकायत करे ना तो तुसी बस एक गल कह देनी है कि साडा बच्चा तो पागल है, वो तो मंद बुद्धि है, उन्हें समझ नहीं है, इस करके इस तरह दीआं गल्लां करदा ते तुहानूं आपे लांबे मिलने खत्म हो जाएंगे। ते मैं सोची पै गया जदों ये पढ़िया कि भाई कन्हैया जी ने अपने आप नूं ये कहा कि मैं पागल, तुसीं कह देना कि मैं पागल हाँ। ते भाई कान सिंह नाभा जी नूं जदों पढ़िया तां मेरा सीस उहनां दे चरणां दे विच झुक गया। भाई कान सिंह नाभा जी ने पागल दे अर्थ जिहड़े कीते आ बा कमाल कीते आ। उह कहिंदे पागल नूं अगर इस लफ़ज़ नूं असीं दो हिस्सिआं दे विच वंड दईए तां लफ़ज़ बण जांदा पा गल। कहिंदे जिस ने उस अकाल पुरख प्रभु परमात्मा दी रमज़ नूं उस दी गल नूं पा लिया दुनिया की नज़र वो पागल ही होंदा। जिसने उसकी गल नूं पा लिया पा गल, जिस शख्स ने जिस रूह ने जिस पवित्र आत्मा ने रब की रमज़ नूं समझ लिया उसकी गल नूं पा लिया, फिर दुनिया उन्हूं पागल ही कहती है, दुनिया उन्हूं बेताला ही कहती है, दुनिया उन्हूं बेसमझ ही कहती है, दुनिया उन्हूं फिर भूतना भी कहती है। तो मैं समझदा वाकया ही भाई कन्हैया जी पागल ही सन।
इना अर्था अनुसार, क्योंकि उन्होंने रब दी रमज़ नू पा लिया सी, उन्होंने ये समझ लिया सी कि सबना विच रब वसदा है, सारियां दे विच नज़र आउण लग पिया सी उन्होंने बचपन दे विच। तीओ भाई कन्हैया जी अज भाई ननुआ जी जो कि गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दे अनन भगत है, उन्हां तो बाणी सुनी है गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की, बाणी पढ़ रहे हैं भाई ननुआ जी और बड़े वजन दे विच पढ़ रहे हैं। इतिहासकार लिखता कि जो भाई ननुआ जी बाणी पढ़ते सन तो इस तरह पढ़ते सन जिमें कि गुरबाणी नूं घोल के पी रहे हैं, एक मन एक चित होकर जुड़ के बाणी पढ़ते सन भाई ननुआ जी जो कि गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के अनन भगत सन। वाहिगुरु बख्शे, अज बहुतात मेरे जे मूर्खा की ऐसी है असी बद्धा चट्टी बाणी पढ़ते हाँ कि बस नितनेम करना है, पढ़नी है समझनी नहीं है। बहुतात मेरे जे मूर्खा की ऐसी है, किसी से कटाक्ष नहीं है। पर भाई ननुआ जी जो बाणी पढ़ते सन कहते उदो पंछी भी रुक जाते सन। तो भाई कन्हैया जी ने जो बाणी सुनी है गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की, तो उन्होंने फिर हाथ जोड़ के बेनती की भाई ननुआ जी नूं कि भाई ननुआ जी ये तुसी किदी बाणी पढ़ रहे हो। तो भाई ननुआ जी ने फिर दसिया कि नौवें जामे दे विच गुरु नानक पातशाह गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के रूप के विराजमान हैं गद्दी ते, ये उन्हां दी बाणी है। तो मन दे विच फिर वलवला आया कि क्यों ना ऐसे गुरु के दर्शन किए जा, बेनती की कि मैं दर्शन करनी चाहना। मैं टूक मात्र सिर्फ गल्लां कर रहा क्योंकि समय की कमी है और सवा एक तो पहला समाप्ति भी करनी है। और भाई ननुआ जी गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के पास लैके पहुंचे है भाई कन्हैया जी को, थापड़ा मिलया। गुरु साहब ने सेवा भी लाई है पर लंबा प्रकरण है, गुरु साहब ने प्रीख्या भी ली है पास हुई है और थापड़ा मिलया। फिर उस तो बाद जब गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की शहादत होंदी है तो आनंदपुर साहब जाके गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के चरणों के विच नतमस्तक हुए है भाई कन्हैया जी। और मैं बेनती कर दिया भाई कन्हैया जी नूं अज असी एक सेवा तक सीमित कर दिता। भाई कन्हैया जी का नाम आता है तो सिर्फ तो सिर्फ असी देखते हाँ एक गुरमुख प्यारा, एक पवित्र रूह पानी की मशक लई प्यासियां नूं पानी पिया रहा। पर भाई कन्हैया जी गुरु हर राय साहब जी गुरु तेग बहादुर पातशाह जी और गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी तीन गुरु साहबाना दे दरबार दे विच सेवा करते रहे एक नहीं अनेक तरह की। गुरु साहब ने जिथे लोड़ पई है जिथे पानी की कमी है उत्थे खूह लगवाण की सेवा भी भाई कन्हैया जी पासों ली है। खूह लगवाए है जिथे पानी की किल्लत है उत्थे जाके खूह लगवाओ, खूह लगवाए है। जिथे संतां दे विश्राम करन लई पेंडा अगर ज्यादा है तो रस्ते दे विच धर्मशालावां भी बनवाईआं भाई कन्हैया जी ने। और भाई कन्हैया जी मुठ्ठी चापी भी करदे आ संगतां दी। भाई कन्हैया सिंह जी लंगरां दे विच बर्तनां दी सेवा भी करदे आ। भाई कन्हैया जी गुरु के अस्थान दे घोड़ियां दी सांभ संभाल दी सेवा भी करदे आ। कहण तो मुराद एक सेवा नहीं है, अनेकां ही सेवा, जिस तरह की सेवा लभ जानी सेवा दे विच जुड़ जाना बस। ते अज सानू फखर होना चाहिए कि भाई कन्हैया जी जिहड़ी कि साखी प्रचलित है सारे जानते हो पहाड़ी राज्यां नाल युद्ध हो रहा है, भाई कन्हैया जी मशक लैके पानी पिला रहे हैं ते सिंह देखते हैं कि असी दुश्मनां नूं जख्मी किया है, भाई कन्हैया जी उन्होंने जल पिला के फिर दोबारा तैयार कर रहे हैं क्योंकि सोच छोटी है, दुनियावी सोच है। कहिंदे किते भाई कन्हैया जी दुश्मनां दे नाल रल तां नहीं गए ते शिकायत हुई है गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे पास।
कि पातशाह भाई कन्हैया जी दुश्मनों के नाल रल के उन्होंने दोबारा लड़न दे, असी बड़ी मुश्किल के नाल उन्होंने जख्मी करते हैं, पर दोबारा उन्होंने जल पिला के उन्होंने लड़न लिए तैयार कर देंगे। गुरु साहब घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाणत, सब कुछ जानते सी, फिर भी संगत दे विच जो दरबार लग्या, संगत दे विच भाई कन्हैया सिंह जी नूं बुलाया गया, भाई कन्हैया जी तुहाडे प्रति शिकायत प्राप्त हुई है कि तुसी दुश्मनां नूं पानी पिलाउंदे हो, की ये ठीक है? ते भाई कन्हैया सिंह जी गल च पल्ला पिया होया, हाथ जोड़ के, दोनों हाथ जोड़ के निम्रता दे नाल बेनती कर रहे हैं, पातशाह मैं तां आप जी का हुक्म मन्निया, आप जी ने कहा ना कि ना को बैरी नहीं बगाना, सगल संग हमको बने आई, तो गुरबाणी का ही फुरमान है ना, खत्री ब्राह्मण शूद वैश उपदेश चौं वरना को सांझा, तो जे उपदेश चौं वरना को सांझा है पातशाह, फिर सेवा वक्री किवें हो सकती है, किसी एक कुटुंब के लिए किवें हो सकती है, किसी एक धर्म के लिए बाधत किवें हो सकती है? मैं तो किसी गैर नूं पानी पिलाया ही नहीं पातशाह, मैनूं तां तुसीं ही नज़र आउंदे हो हर एक दे विचों, मैं तां तुहानूं पानी पिलाउना, जदों भी कोई जख्मी देखदा, कोई पानी की पुकार करता है, डिमांड करता, तो मैं उन्हूं पानी पिलाना, तो मैनूं तां तुसीं नज़र आउंदे हो। तो गुरु साहब सिंघासन तो उठे आ, गल वकड़ी च लिया और थापड़ा दिता, तो इतिहासकार लिखते हैं कि जेब के विचों मलम की डब्बी और पट्टी कढ़ी है, और क्या भाई कन्हैया जी अज तक सिर्फ तुसी पानी की सेवा करते रहे हो, पर अज तो बाद अगर कोई जख्मी मिले, लोड़ होवे, तां मलम पट्टी की सेवा भी आप जी ने करनी है, जिहड़ा कि 319वां मलम पट्टी दिवस पिछे 5 नवंबर नूं मिला के हटी है भाई कन्हैया जी मिशन सेवा सोसायटी। और वो मलम पट्टी, मैं इत्थे एकदम शॉक्ड हो जाना कि इतिहासकार लिखते है जदों महासिंह का बेदावा पाड़िया मैदान जंग दे विच है, गुरु साहब महासंघ मैदान जंग के जख्मी पिया आखिरी श्वासों पर है, तो गुरु साहब जेब चो बेदावा कढ़दे आ, मैदान जंग के बेदावा जेब के इत्थे सिंघासन पर बैठे है, भाई कन्हैया जी आए है, तो मलम पट्टी जिहड़ी है उन्हां दी जेब के, तां फिर अपनी सोच नूं जिहड़ा थोड़ा जिहा गुरु चरणां दे नाल जोड़दा, तां फिर यह विश्वास हुंदा कि कमी साडे विच है, गुरु तां हर चीज़ अपने खीसे दे विच लै के सानू देण लई तैयार बैठा है, असी लैण वाली साडी औकात ही नहीं है, साडी बिनती ही नहीं है, गुरु तां तैयार है, वह बेदावा पाड़न लई भी तैयार है, वह मलम पट्टी देण लई भी तैयार है, असी सिर्फ ते सिर्फ यह बिनती बनाईए कि असी गुरु कोल जाइए। ते हुण एक आखरी गल कह के मैं माफी मंगांगा कि अज इस गलते निमाणा जी, अज इस गलते बड़ा किंतु लोग कर रहे हैं कि भाई कन्हैया सिंह जी ने की अमृत छकिया कि नहीं, भाई कन्हैया सिंह जी कहण नूं लोग कतराउंदे है, भावें कि बहुते कोई हवाले नहीं मिलते कि भाई कन्हैया सिंह जी ने अमृत छकिया कि नहीं छकिया, पर मैं एक गल आप जी नाल सांझी करनी चाहना कि यह साखी तो प्रचलित है ना कि भाई डल्ला जी ने जदों गुरु चरणा दे विच समर्पण कर दिता, और भाई डल्ला जी ने अपना तन ही नहीं, तन मन धन अपने मुरीद अपनी फौज सब कुछ समर्पण कर दिता, तो भाई डल्ला जी ने जो गुरु साहब ने कहा कि तेरी असी सेवा तो खुश हाँ, तो मंग की मंगदा, तो फिर भाई डल्ला जी ने की मंगया सारिया नूं पता कि मैं एक पीढ़ी जिड़ी जगह अपने चरणों के जो दरगाह दे जावा तो अपने चरणों के दे दियो, तो गुरु साहब ने पता जवाब की दिता सी, डल्या
तू दुनिया दे विच जेड़े मर्जी पदार्थ मंग लिया, दुनिया का राज भाग मंग लिया, तेनू मिलेगा, तेनू वचन है गुरु का। पर जे तू कवे दरगाह दे विच तेनू एक पीढ़ी जिड्डी जगह मिल जाए, तेनू उत्थे एक सूई जिड्डी भी जगह नहीं मिलनी, क्योंकि तू अमृतधारी नहीं है, तू गुरु का खंडे पट्ठ की पौल नहीं छकी है। सत श्री जे भाई डल्ला जिन्हों गुरु साहब एलानिया ये कह रहे हैं दरगाह दे विच एक सुई जिड्डी जगह भी नहीं मिलनी डल्या, क्योंकि तू गुरु वाला नहीं बनिया, ते भाई कन्हैया जी फिर उस नियामत तो किस तरह वांझे रह सकते हैं। भाई कन्हैया जी ने अमृत पान किया गुरु प्यारियो, एक मैनू गल दसो, कोई समुद्र दे विच्चों नदी दे विच्चों पानी दे विच्चों गुजरे और एक एक के मैं गिला ना होवां, हाउ इट इज पॉसिबल, ये संभव है कि मैं पानी दे विच्चों निकला पर गिला ना होवां, सूरज तो चढ़े पर मैनू उहदी तपश ना लगे, ये पॉसिबल नहीं है। और गुरु दे चरणा दा निग माणिया होवे और गुरु साहब दे चरणा दे इन्ने नेड़े होवे कि गुरु साहब अपनी छाती दे नाल ला के मलम पट्टी की सेवा नाल दे रहे हैं, तो वह अमृत तो वांझा रह जाए। सानू इस गल ते पहरा देना पेगा कि भाई कन्हैया जी अमृतधारी सन। भाई कन्हैया सिंह जी कहण दे विच सानू फखर होना चाहिए, सानू माण महसूस होना चाहिए। अज अगर असी पछमी देशों वल झात मारीे तो वह यह कहती है कि सन 1859 दे विच रेड क्रॉस दे बानी जिहड़े है वो सर जीन हैरी ड्यूना सन, पर उन्हां नूं अज समझ लग गई कि एक्चुअल जिहड़े रेड क्रॉस दे बानी है वह भाई कन्हैया सिंह जी है। सानूं फखर होना चाहिए इस गल ते। और गुरु प्यारियो असीं माण नाल कहीए कि गुरु प्यारे सिंह भाई कन्हैया सिंह जी जिन्हां ने जे असी उन्हां नूं पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी कह दईए तां कोई अतकथनी नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी गुरु साहब ने कहा ब्रह्म ज्ञानी को खोजा महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। तो परमेश्वर आप किवें है, क्योंकि रब सभना दे विच वसदा ते जिन्हों दिसण लग पिया वो आप सत स्वरूप हो गया। उस सत नूं जपदिया जपदिया जो असी संगत दे विच उस सत दी असी महिमा करदे आ, गुरु गुरु जपदे आ, और सच जाणियो संत दा जन्म जिहड़ी संगत रूपी मां दे विचों हुंदा। संगत दे विच सत नूं जपदिया जपदिया एक दिन ऐसा आउंदा जो साडा संगत रूपी मां दे गर्भ दे विचों जन्म हुंदा, वो संत हुंदा। अज असी हर एक दे नाल ब्रह्म ज्ञानी 1008 108 लिखण लग पए। एक्चुअल ब्रह्म ज्ञानी या संत किसी चोले या किसी शरीर का नाम नहीं है, ये तो एक अवस्था का नाम है, जिहड़ी अवस्था भाई कन्हैया सिंह जी नूं मिली, बाबा बुढ़ा जी नूं मिली। गुरु प्यारियो गुरु साहब कृपा कर देण अज असी इस गल ते पहरा देईए, क्योंकि कुछ ताकतां जिहड़ियां इस गल तो दूर कर रही हैं कि अमृत छकना जरूरी नहीं है, मन साफ होना चाहिए, तुसी लोकां दी सेवा करो, किसी नाल माड़ा ना करो तो अमृत छकन की लोड़ ही नहीं है। तो फिर मैं उन्हां कोलों एक गल पुछदा हुंदा कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह का मन साफ नहीं सी, कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दुनिया की सेवा नहीं सी करदे, कि उन्होंने लोड़ महसूस की। पांच प्यारियां नूं जिते अमृत पान कराया उत्थे ये कहा कि मैनू भी अमृत पान कराओ, कि वह सच्चे सुचे नहीं सन। जे उन्होंने लोड़ महसूस की है गुरु प्यारियो असी तो फिर किसी घर नहीं लोड़ है। अगर भाई डल्ला जी गुरु साहब ये कह सकते हैं कि एक पीढ़ी तो बहुत वड्डी गल है, एक सुई जिड़ी जगह भी नहीं मिलनी दरगाह दे विच जे अमृत नहीं छकिया, ते इस करके दुनिया की भावें सारी दा राजा बन ली कह तैनू बना दूंगा, हर नियामत तैनू मिल जाएगी। तो जे गुरु साहब ने भाई डल्ला जी ने कहा तो फिर भाई डल्ला जी फिर अमृत पान करके गुरु वाले बने हैं, तो फिर बाकी भाई कन्हैया सिंह जी किवें रह सकते हैं। गुरु साहब कृपा कर देण।
क्योंकि समा बहुत ज़्यादा हो चुका, इसलिए मैं बहुता विस्तार दे विच ना जांदिया हाँ कितने दोबारा मौका मिलिया। भाई कन्हैया सिंह जी का जीवन तो ऐसा है कि अगर उन्होंने एक गुण नू लिया के असी बयान करना शुरू कर दिए तो सारा दिन निकल जाएगा गुरु प्यारे, क्योंकि संदिष्ट हो गए सन, उस अकाल पुरख प्रभु परमात्मा च लीन हो गए सन। इस करके अज इतनी हाजिरी प्रवान करते हैं, अगर किसी दे मन में कोई ठेस लगी होवे तां दास जोड़ियां च खड़ के दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी का खास गर है, क्योंकि गल किसी का मन दिखाउण दी नहीं हुंदी। पर हाँ जे इत्थे बैठ के भी गुरु की हजूरी में बैठ के भी असी सच नहीं बोल सकते तो फिर सच बोलांगे कित्थे। जे इत्थे भी गुरु का डर नहीं है भावें कि वह हाजरा हजूर है जहरा जहूर है जर्रे जर्रे दे विच वो है, पर फिर भी जे प्रतख असी ये दे सामने आके भी अगर सच नहीं बोल सकते तो मेरे ख्याल ना असी सिख कहान दे हकदार नहीं हाँ। गुरु साहब रहमत कर दे। भाई कन्हैया जी मिशन सेवा सुसायटी के मुख्य सेवादार जथेदार तरनजीत सिंह जी निमाणा जेडे कि उस नक्शे कदम से चल रहे हैं, और इन्होंने भी जोड़ा मिशन है ब्लड देन लगियां ये नहीं देखा जाता है हिंदू नूं दिता जा रहा मुसलमान नूं दिता जा रहा है वैरी नूं दिता जा रहा मित्र नूं दिता जा रहा है, केवल तो केवल ब्लड दिता जाता है तो ब्लड लैण वाले भी यह नहीं देखा जाता कि यह सिख को लिया जा रहा है। कभी किसी इश्तिहार दे विच यह नहीं लिखा गया कि ब्लड डोनेशन कैंप केवल सिखां वास्ते है, केवल इत्थे सिख ही ब्लड देन आण गैर सिखां लई इत्थे आना मना है, कभी भी नहीं हुंदा। उत्थे हिंदू भी वीर भी देंदे है, मुसलमान वीर भी देंदे है, उत्थे ईसाई वीर भी देंदे है, बोधी भी देंदे है, जैनी भी देंदे है, सिख भी देंदे है, हर मजहब हर धर्म हर कुटुंब के लोग आके खून देंदे है। और फिर जदों मिक्स हो जाता फिर पता ही नहीं लगता खून किहदा ते किहनू चढ़ रहा। उस सोच से चलदियां होया गुरु साहब कृपा करन अज रल के अरदास करिए कि भाई कन्हैया जी मिशन सेवा सुसायटी दे मुख्य सेवादार जथेदार तरनजीत सिंह ने माड़ा जिते मालिक उन्होंने सेहत नरोई दे उत्थे भावें कि वह परिवार के औखे वेले हमेशा नाल खड़े है, पर मैं समझदा बहुत वड्डा ते आ गया हफ्ता हफ्ता दस दस दिन पंद्रह पंद्रह दिन ये बाहर सेवा ते रहिंदे है, बहुत औखा परिवार को छड़ना। गुरु साहब कृपा कर देन इन्हां दी सोच इसे तरह ही मन नीवा मत उच्ची पाछा बना के रखन इन्हां दी सेहत नरोई रखन ताकि होर वध चढ़ के सेवा कर सकन। होईयां बेअंत भुलां लई खिमा एक बार फिर गज वज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।